अस्सलाम वालेकुम। ग्वालियर बावर्ची खाने के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं सूजी का हलवा, जो कि बहुत दानेदार, बहुत स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। अगर आप हमारे बताए हुए मेज़रमेंट से हलवा बनाएंगे और पानी का ख़ास ख्याल रखेंगे तो आपका हलवा भी इतना ही टेस्टी और दानेदार बनकर तैयार होगा। तो सूजी के हलवे के लिए हम यहाँ पर लेंगे 1 कटोरी सूजी। जितनी सूजी लेनी है उतनी ही हमें शक्कर लेनी है, 1 कटोरी शक्कर और 1 कटोरी घी। ये तीनों चीज़ें हमें बराबर रेशियो में ले लेनी है। हमने यहाँ पे ली हैं हलवे के लिए 4 इलायची, थोड़ी सी किशमिश, थोड़े बादाम और थोड़े काजू। तो ये ड्राई फ्रूट्स भी हम यहाँ पर ले रहे हैं, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें या तो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कुछ टुकड़े लिए हुए हैं पिस्ता के, और ये लिए हमने थोड़ी सी केसर, जिसे हमने दूध में घोल लिया है। इससे कलर बहुत अच्छा आता है और फ्लेवर भी ऐड हो जाता है। देरी ना करते हुए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पैन या कढ़ाई आप गरम करें और उसमें डाल दें देसी घी। देसी घी को थोड़ा पिघलने दें। अगर आप ड्राई फ्रूट्स डाल ही रहे हैं तो हमें एक बात का ध्यान रखना है, ड्राई फ्रूट्स आप थोड़े से घी में फ्राई करके डालें तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ हम इसमें काजू और बादाम को डालकर फ्राई कर लेंगे। किशमिश को फ्राई करने की नीड नहीं होती है। अब ये फ्राई हो चुके हैं, बस इनको अब निकाल कर अलग रख लें। ड्राई फ्रूट्स हमने निकाल लिए हैं, घी अपना गर्म है। अब इसमें हम डाल देंगे सूजी। तो सूजी आप देख रहे हैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज है। तो कलर इसका इसलिए चेंज है कि हमने सूजी को पहले बिना घी के भूना है, उसके बाद यहाँ पर घी में हम इसको भून रहे हैं। इससे क्या होता है, हलवा आपका गीला गीला, मतलब चिपका चिपका नहीं बनता है, बिल्कुल अलग अलग दाना खिला खिला रहता है सूजी का। और जब भी आप हलवा खाएंगे तो आपको वैसे ही हलवा मिलेगा, ठंडा होने के बाद वो भी तब भी वैसा ही रहेगा। और ये सूजी भुन गई है। याद रखें, सूजी को आप लो टू मीडियम फ्लेम पे ही भूनें, नहीं तो वो जलने लगेगी। और अब हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी हम 3 गुना डालेंगे। जिस कटोरी से हमने सूजी को नापा था उसी कटोरी से हम यहाँ पे पानी को नाप कर डाल रहे हैं। और एक बात और, हम यहाँ पर पानी को थोड़ा खौला कर डाल रहे हैं। देख सकते हैं कि जैसे ही हमने पानी डाला तो हमने यहाँ पर बॉयल वाटर यूज़ किया है, तो सूजी अपनी जल्दी से फूल गई है और इससे थोड़ा कच्चापन भी नहीं आता है। तो पानी को आप खौला कर यूज़ करें तो आपको बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हलवे में, कच्चापन नहीं लगेगा। तो अब हम इसमें डाल देंगे इलायची। इलायची हमने ली थी, उसको कूट कर इसमें डालें। कूटने से बहुत अच्छा फ्लेवर इसमें आएगा। और साथ ही इसमें डाल दें जो हमने सोक किया हुआ केसर डाला था, वो भी इसमें डाल दें। तो इससे कलर भी थोड़ा सा आपका चेंज हो जाएगा, टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए, लाइट लाइट कलर आपका हलवे पर आने लगेगा। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कटोरी शक्कर। तो आपको एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि पानी का जो मेज़रमेंट है और पानी किस समय उसमें डल रहा है, उससे हलवा आपका बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा, आपको अच्छा लगेगा। तो आप इसको फिर शबे बारात के मौके पर बनाएं। और हलवा तो वैसे भी बनाया जाता है, और देसी घी का हलवा अगर आप बच्चों को भी खाने को देंगे तो बच्चों को भी बहुत फ़ायदा करता है। तो आप उसको बना सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है, बहुत टेस्टी लगता है, मीठे में जल्दी से बन जाता है। देखिए कितना अच्छा हमारा केसर का कलर इसमें आया है और बिल्कुल दानेदार हलवा बनकर तैयार हुआ है। और अब हम यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे इसमें। और ऐसा नहीं है कि आप ड्राई फ्रूट्स नहीं डालेंगे तो आपका हलवा अच्छा नहीं बनेगा। अगर आप इस तरीके से इस मेज़रमेंट के साथ हलवा बनाएंगे तो आपको ड्राई फ्रूट्स की बिल्कुल ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप डाल लें तो प्लस है, नहीं डालेंगे तो भी हलवा आपका बहुत टेस्टी लगेगा और एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर हमने ड्राई फ्रूट्स मिला दिए हैं, ये देखिए एकदम अच्छा हलवा बनकर तैयार है, ना गीला है ना सूखा है, परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ हलवा अपना बनकर तैयार हुआ है। और हमने इसमें शुगर भी मेल्ट कर दी थी। इसको ढक कर बस आप लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पका लें। 2 मिनट हो चुके हैं, चलिए अब इसको खोल कर देख लेते हैं। और ये देखिए हलवा हमारा बिल्कुल रेडी है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर दें और हलवे को थोड़ा सा चला लें। एकदम परफेक्ट, एकदम दानेदार हलवा बनकर तैयार हुआ है। आप बिल्कुल इसी तरीके से हलवा बनाएंगे तो आपका हलवा कभी बिगड़ेगा ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है बिगड़ने का। इसी मेज़रमेंट के साथ आप एक बार ज़रूर बनाकर देखें। बनाने के बाद हमें कमेंट सेक्शन में भी बताएं कि आपका हलवा कैसा बना। चलिए अब इसको सर्व कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी हलवा बनकर तैयार हुआ है। शबे बारात पर लोग ज़्यादातर हलवा बनाते हैं, तो आप इस तरीके से अगर ये गीला वाला हलवा बनाएंगे सूजी का तो सबको बहुत पसंद आएगा और बच्चों का भी ये फेवरेट हो जाएगा। तो आप एक बार ज़रूर इस तरीके से ये हलवा बनाकर देखें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।